नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी MR के बारे में। बैच है आपका 04/2020, यानी अभी उसका मेरिट लिस्ट आने वाला है फरवरी के अंदर। तो सभी से इससे आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, इसमें जो आपका कमेंट आ रहा था कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी तक जा सकती है, क्या सीन रहने वाला है यहाँ तक, तो वो इसी वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे। और ये एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है, तो इस पर आप बेकार के कमेंट मत करना। पहले सबसे पहले बता देता हूँ गाइज कि आपको इस पर कोई भी मतलब ऐसा नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आप सभी इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा वीडियो। सारा का सारा एनालाइज आपके लिए है यहाँ पे। और जो भी कोई आपके डाउट्स लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और आपको रिप्लाई वहां से किया जाएगा अच्छे तरीके से। और गाइज आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और साइड में दिख रहे घंटे के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है वो मिलते रहे। गाइज मैं अभी हूँ इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और काफ़ी कैंडिडेट्स इस बात से चिंतित है कि आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो कोई ये बोल रहा है ये बोल रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा गाइज, आपका फिक्स डेट को ही आने वाला है, जो कि आपके इंडियन जो नेवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था MR का 04/2020 बैच का, तो वो वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको शुरुआत में। तो वहाँ पर क्या लिखा गया है वो आपके साथ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, तब मेरिट लिस्ट कब जारी होगा सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और आपका कट ऑफ क्या रहेगा, एक्सेप्टेड कट ऑफ, वो आपको भी इसमें एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों यहां पे मैं आ चुका हूं इंडियन नेवी MR का अप्रैल, आपका अप्रैल वाला बेंच है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2020 के लिए एंट्री होने वाली है इसकी, यानी अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो चलिए गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सीन रहने वाला है, आप इसे प्रूफ के साथ देख सकते हैं। आपका जब एग्जामिनेशन हुआ था अक्टूबर के अंदर, वो उसी का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको पता चलेगा जी, जो पॉइंट दिख रहा है आपको जी वाला पॉइंट, इस पर आप गौर कीजिएगा और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.joinindiannavy.government.in पर पब्लिश हो जाएगी, और 21 फरवरी 2020 को। तो ये बात कंफर्म हो गई होगी आपको भी, 21 फरवरी से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। 21 फरवरी को आपका मतलब मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। इस पे आपको आते ही जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, जो भी मेरिट लिस्ट आएगी या जो भी प्रोसेस होगा, उस दिन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। और जो कैंडिडेट्स इनरोलमेंट में आएंगे जो मतलब, और उनको वहाँ पे यदि वो INS चिल्का में मेडिकल क्वालिफाइड कर देते हैं, मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले ये बता देते हैं कि आपका क्या सीन रहेगा, जो कट ऑफ का है वो थोड़ा सा बता देते हैं, एनालाइज कर लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है वो आपकी PFT के लिए आपको बुलाया गया था, उस टाइम की ये कट ऑफ है, तो आप मान सकते हैं इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। तो सभी से पहले बता देता हूँ कि ये स्टेट वाइज आपका कट ऑफ आने वाला है। सबसे पहले ये बता देता हूँ यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगा, और स्टेट वाइज के अंदर अलग अलग वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। जिस स्टेट से जितनी सीट है उसके लिए उतने ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पर नहीं बुलाए जाएंगे, सबसे पहले ये बता देते हैं आपको। तो स्टेट वाइज आपका कट ऑफ लगेगा, और आपको बता दिया 21 फरवरी को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और जब आपको PFT के लिए ये कट ऑफ लगा था गाइज 04/2020 बेंच का, ये मैंने इस पर आपको अलग से वीडियो दिया था। और गाइज जो हरियाणा की कट ऑफ लगी थी 41.25 लगी थी, तो अब जो हाईएस्ट जा सकती है तो 43 जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और ये एक्सेप्टेड है गाइज, आपको मतलब अनुमानित कट ऑफ है, ये मतलब फिक्स नहीं है। दिल्ली का 27.75 है, तो ये मतलब आप मान लीजिए 29 के अंडर में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। राजस्थान का 35 पॉइंट समथिंग था या 35 था, इसके माने तो मतलब ये चला जाएगा 37 तक चला जा सकता है, मतलब 37 तक जा सकता है, 37 से नीचे नीचे रहेगा, 1 से 2 नंबर ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि वैकेंसी ज़्यादा है या मतलब वो तो फिक्स है पहले से वैकेंसी, तो लेकिन ये बच्चे का ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं तो उनको फिर कुछ एनालाइज करके ही मतलब कट ऑफ को बढ़ा दिया जाता है, और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो बहुत ही कम है, 11 है, तो गाइज यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं 12 वाले का भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी मिनिमम कट ऑफ गई है, तो आप सोच भी सकते हैं 13 तो वाले का 13 से प्लस है उसका तो हो ही जाएगा, ठीक है। MP की बात करें मध्य प्रदेश की, तो 29.75 है, तो आप मान ये 31 से जो मतलब अबो है उनको कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ पे 25.75 है आपका, तो 26 आपका लगभग 70 के आसपास है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे मतलब कम है उसका भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि यही कट ऑफ रहे वो इंडियन नेवी जारी करेगी, लेकिन एक्सेप्टेड बता सकते हैं गाइज। और यूपी की जो 33.75 है, तो 35 वाला मान के चलिए, 35 जिसका है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी इसको दिक्कत नहीं है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे गाइज 20.25 कट ऑफ लगा है, तो ये मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 21 का सिलेक्शन हो जाएगा, 21 या 21.50। और बिहार का आपका देख सकते हैं 35.25 है, तो
लगभग 36.25 या 37 के आसपास इसका जा सकता है, 7.5 भी जा सकता है, 36.75, ठीक है ये कट ऑफ। उत्तराखंड की बात करें तो 29.50 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मतलब प्लस ही रहेगा गाइज। तो आप देख लीजिएगा 1.25 लगभग, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। उड़ीसा का इतना ही है यहाँ पे, और गुजरात का देख लीजिएगा। उड़ीसा की बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि आपका 29.50 है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और गुजरात की भी आप 21.50 से अबो है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ है, आसाम है, महाराष्ट्र है, मणिपुर हो गया आपका, ठीक है गाइज। ये बस वही सीन है, ज़्यादा अंतर नहीं इनमें से। 22 का है तो आप 23.23 पे हो जाएगा लगभग, 23 पॉइंट प्लस जा सकता है, 23.25 के आसपास। और आसाम की बात करें तो 21.25 से अबो है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और मणिपुर का ही सेम ये गाइस, ये जो है इसका एनालाइज कर दिया है। महाराष्ट्र का 24 है तो 25 से अबो है, उसका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 25.25 भी जा सकता है, ठीक है। ये एक एनालाइज, एक फिक्स कट ऑफ, थोड़े फिक्स नहीं है। और हिमाचल प्रदेश की लास्ट में बात करूँगा तो हिमाचल प्रदेश की 26 कट ऑफ लगा है यहाँ पे, तो 26 आपका, तो आप 27 से ऊपर ऊपर जो है या 27.25 से अबो है उनका कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है गाइस। ये एक पीबी पंजाब का भी रहेगा गाइस, यहाँ पे पंजाब है 21.75। तो पंजाब की बात करें तो यहाँ पे बाई, तो गाइज यहाँ पे पंजाब की यही सीन रहने वाला है। पंजाब का लगभग मैंने बता दिया 22 और 22.25 से वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सीन था आपका। और गाइज आपको क्या आइडिया लगता है, आपको क्या मतलब है कि कैसे किस तरीके से रहने वाला है, तो सब कुछ आप यहाँ ज़रूर बताएं। आपको आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो और एनालाइज आपका क्या अनुमान है। या उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और गाइज आपका कोई भी सुझाव या कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज, और चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अन अकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यदि आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो वहां जाकर हमें आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी आपके लिए नए नए कोर्स आते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।